Hi guys, my name is Urvashi and welcome back to my channel and welcome to episode 2 of 2023 favorites. And this episode contains of my skincare favorites. I'm very excited to show you guys my skincare favorites because I just pop up some pictures of the year start and the year end and how my skin has changed. Not dramatically, but I have seen changes in my skin. I just want to share all my skincare favorites with you guys. I'm very excited, so just start the video. I would like to start with the very first product, which is a face wash, and I don't currently have that face wash because maine puri tarike se usko khatam karke kaat ke pura use kar liya tha and I just have thrown it away kuch din pehle. I'll just pop up a picture over here. It's the face wash from Dr. Shades. Wo itna acha face wash tha, like if you have oily skin or normal skin bhi, you guys are going to love that face wash, like literally love, like winning, because wo itna acche se aapki skin clean kar leta hai. You can literally feel your skin is clean now. So I absolutely loved that product. Or actually I got in a PR from Flipkart ka event where I went, और तब से लेके अब तक वो चल रहा था. मतलब इतना सा अमाउंट लगता है उसका, बहुत कम अमाउंट लगता है, बट जो वर्क करता है हमारी स्किन पे, दैट्स अमेजिंग. नेक्स्ट, इफ़ यू हैव ड्राई स्किन या फिर नॉर्मल स्किन भी है, सो आई हैव अ जेल फेस वॉश फॉर यू गाइस एंड दिस इज़ फ्रॉम सुगंधा. इट्स देयर सेंटेला ग्रीन टी फेस वॉश. इट्स वेरी जेंटल और ये बिल्कुल ऐसे आपको, जैसे अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको वो ऑयल थोड़ा चाहिए. मतलब यू कैंट जस्ट यूज़ वेरी ड्राइंग फेस वॉश, जैसे कि अपोजिट टू ऑयली स्किन टाइप पीपल. सो दिस विल मेक यू फील हाइड्रेटेड, एट द सेम टाइम इट विल डू इट्स वर्क एंड इट विल मेक योर फेस लुक मोर क्लीनर. सो मेरे पास इसका मिनी वर्जन है. आई डोंट नो इसका बड़ा वर्जन, लाइक फुल साइज प्रोडक्ट आता भी है कि नहीं, बट आई हैव दिस मिनी वर्जन एंड I actually have emptied इसके दो तीन bottles. और actually मुझे ये इनका kit आता है एक 3-piece का, so उसमें ये भी होता है and serum होता है, moisturizer होता है. so I have emptied ये वाले बहुत सारे products because मुझे ऐसे mini वाले बहुत पसंद आते हैं for travelling purpose. तो मुझे जैसे ही ये mini वाले कुछ भी आता है मैं रख देती हूँ travelling के लिए. whenever I go to my hometown also तभी भी मैं ऐसे mini travel कर लेके travel करती हूँ. so it's very convenient और अच्छा भी है, so why not keep it and use it when you actually need it. For serums also I have 2 serums and ये oily and dry skin के हिसाब से नहीं है. I have 2 because one is high end and the another one is affordable. So the affordable one is this L'Oreal Paris glycolic acid bright serum and I don't think बहुत ज़्यादा difference दिखा है मुझे इससे अपने marks पे, but I can definitely see that it is working. और honestly you just have to be consistent with any serum that you are using anytime. कि अगर आपने कोई भी serum start किया और बीच में छोड़ दिया तो आपको उसका वैसे भी result पता चलेगा ही नहीं. so जब मैं अभी तो मैं इसको use नहीं कर रही हूँ, but जब मैं इसको use कर रही थी तब I was actually able to see some difference. ये थोड़ा सा see like glycolic एसिड क्या करता है कि आपकी स्किन को इन्हांस करता है, लाइक द टेक्स्चर ऑफ योर स्किन जो है उसको हटाता है या जो डार्क स्पॉट्स है उस पर वर्क करता है. सो बेसिकली लाइटनिंग करता है बट इन अ पॉजिटिव वे, ऐसे नहीं कि आपको बुरा बना देगा या कुछ वैसा नहीं है. डज इट वर्क? इट डज, बट इट टेक्स टाइम, सो यू हैव टू बी पेशेंट विद दिस. हाई एंड साइड यू गाइज हैव मस्ट हैव ऑलरेडी गेस्ट कि मैं क्या बोलने वाली हूँ. आई हैव दिस एस्टी लॉडर एडवांस नाइट रिपेयर सिरम एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस सिरम. मैंने लास्ट ईयर भी ये सिरम ट्राई किया था. आई हैड अ मिनी लास्ट ईयर भी एंड इस साल भी आई हैव 2 मिनीज बिकॉज इसके फुल साइज प्रोडक्ट आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, हेल एक्सपेंसिव. सो अभी भी इसमें काफ़ी बचा है. तो या मिनीज वर्क फॉर लाइक अराउंड 1 to 1.5 मंथ्स. आई एम ओके कि बीच बीच में ये वाले सिरम यूज़ किए, उसके बाद आई स्विच बैक टू माई अफोर्डेबल वंस एंड ऐसे बैलेंस चलते रहता है. बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सिरम. अगर आपकी मम्मियों को भी कोई सिरम सजेस्ट करना है ना आपको, प्लीज़ टू गिव देम दिस वन, क्योंकि हर चीज़ पे वर्क करता है. लाइक ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जिस पर आपको वर्क करते हुए नहीं दिखेगा. इट हाइड्रेट्स योर स्किन, इट वो लाइक वर्क्स ऑन योर एक्ने मार्क्स, इट वर्क्स ऑन योर रिंकल्स एंड एवरीथिंग. और कुछ अलग ही है इसमें. आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ इट, बहुत
काम काफ़ी अच्छा है, सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट दिस वन. आई ऑल्सो हैव ए केमिकल पील. आई ट्राइड दिस केमिकल पील फ्रॉम मिनिमलिस्ट एंड दिस इज देयर AHA, BHA, PHA फेस पील एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया, लाइक फॉर अ केमिकल पील इतना काफ़ी है. तो ये मैंने लिया था बिकॉज आई हैव एक्ने स्कार्स एज यू कैन सी एंड केमिकल पील वर्क्स वंडर्स फॉर एक्ने स्कार्स. सो आई हैव हर्ड दैट एंड आई कैन टेल यू कि ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है. बट दिस ऑल्सो यू हैव टू यूज़ कंसिस्टेंटली एंड बाई कंसिस्टेंटली आई मीन वंस अ वीक एंड नॉट डेली. लाइक हर दिन या हर ऑल्टरनेट दिन तुम केमिकल पील नहीं कर सकते हो. यू हैव टू यूज़ इट once a week starting में, then you can switch to twice a week if required. And that too, I am not a dermatologist. कोई भी स्किन केयर जो मैं बता रही हूँ, please to test for yourself first. Please don't blindly trust me. I am just showing my favorites and I am just telling you my experience. So this has actually worked for me. It you know, it shows results after 1 to 2 days. Like अगर मैं आज रात को ये केमिकल पील कर रही हूँ, सो मुझे परसों इसके रिजल्ट ज़्यादा इफेक्टिवली दिखते हैं. प्लस आई वोंट सजेस्ट यू डूइंग अ केमिकल पील एट डे बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि हम सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं, या फिर अगर आप सनस्क्रीन लगाते भी तो आप रीअप्लाई करना भूल जाते हो. बट अगर इसके बाद आप ऐसा कुछ करना भूल गए ना, तो ये पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा आपकी स्किन के लिए. सो इट्स बेटर दैट यू यूज दिस एट नाइट एंड अप्लाई अ गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर, अ गुड अमाउंट ऑफ you know, moisturizing acid like hyaluronic acid and something like that, yeah, niacinamide, and then apply a good amount of moisturizer, achhe se clear lagao, and then you go to sleep, and then see the effect of this in the morning ya fir next day bhi bahut acha dikhta hai. To agar aapko koi function wagaira mein jana hai to 2 din pehle karna hai, so what I'll advise for you. Next I have 2 sunscreens, so dono hi affordable range mein hai. Ek aur hai that is on expensive side, but वो बहुत प्यारी सनस्क्रीन है. वो आई एम टॉकिंग अबाउट द लेनेज सनस्क्रीन और आई डोंट हैव दैट राइट नाउ, मैंने ख़त्म कर दिया वो. और या इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय, या मतलब इन्वेस्ट करना है आपको लिटरली एक सनस्क्रीन में, दैट इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन. अगर आप ऐसे हो कि आप मेकअप नहीं करते, आप सिर्फ सनस्क्रीन लगाते हो एंड देन यू गो आउट, बहुत प्यारा वो एक ग्लो देता है आपके फेस को, देन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकअप बट दे लाइक टू लुक ग्लोई. तो उनके लिए इट्स दी बेस्ट. बट अभी हम अफोर्डेबल की बात करते हैं, तो आई हैव दिस पॉन्ड्स सीरम बूस्ट सनस्क्रीन SPF 50. दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, ये भी आपको एक ग्लो प्रोवाइड करती है. और मुझे पता नहीं कि ग्लोई सनस्क्रीन ही पसंद आती है. सो द सेकेंड वन ऑल्सो आई हैव इज फ्रॉम Dot & Key स्किन केयर, देयर विटामिन C+E सुपर ब्राइट सनस्क्रीन. दिस इज़ ऑल्सो वेरी लिक्विडी, मतलब मैं अगर इसको भी खोल के दिखाती हूँ समझ लगा कितना लिक्विडी है ये. जस्ट ओपन दिस एंड दिस स्टार्ट्स ड्रिपिंग. सो ये बहुत प्यारा है, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपने पानी लगाया है अपने फेस पे. ये भी लगाओगे तो ऐसा लगेगा आपने पानी लगाया है अपने फेस पे. तो ये भी स्टिकी नहीं है, ये भी स्टिकी नहीं है. सो आई जस्ट लव बोथ ऑफ देम. द सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव इज फ्रॉम लव अर्थ एंड दिस इज द 24-कैरेट गोल्ड फेस ग्लास फेस ऑयल. और ऐसा कुछ दिखता है ये. This is very heavy, oily skin type, people please stay away from this. वैसे भी आपको ऑयल्स लगाने ही नहीं चाहिए कोई भी तरीके के. बट इवन इफ यू वॉन्ट टू ट्राई, ऐसे और भी ऑयल्स आते होंगे जो आपको स्टिकी फील ना करें, बट ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. ऐसे मतलब अंदर नहीं जाता है ये अच्छे से. सो यू हैव टू जस्ट अप्लाइड, बहुत अच्छा लगता है. लाइक नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप पीपल यू आर गोइंग टू लव दिस बिकॉज बहुत ही प्यारा हाइड्रेशन देता है, बहुत प्यारा एक ग्लो देता है आपके फेस को. एंड तो शो योगा is बहुत प्यारा है. ठंडियों के टाइम आई लव यूजिंग दिस. सो दिस ऑल्सो यू कैन ट्राई फॉर योर स्किन ऑल जूसी एंड प्लपी. एंड द लास्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव फॉर दिस हॉल इज अ लिप बाम. और लिप बाम में भी आई हैव ट्राइड रिसेंटली द लेनेज लिप बाम, बहुत हाइड्रेटिंग है वो. बट ना उसमें वो क्या करते हैं, डिप करके यूज़ करना पड़ता है. आई डोंट लाइक दैट वैसा वाला सिस्टम. आई लव दिस एज अ लिपस्टिक जैसा जो सिस्टम होता है. सो आई हैव दिस फेवरेट फ्रॉम जस्ट हर्ब्स एंड दिस इज देयर चेरी टिंटेड लिप बाम SPF 20+ आलमंड ऑयल प्लस शिया बटर. मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है.
मुझे सिर्फ इसका टिंट बहुत पसंद है और जो इसका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है वो भी अच्छा लगता है। सो अगर आप इसको लगा के रात को और सो जाओ तो सुबह को आपके लिप्स, मतलब ये एक्चुअल में रेड कलर का है, मुझे शो यू, थोड़ा सा रेडिश कलर का इसका टिंट है, बट आप सुबह जब उठोगे ना तो लिप बाम कुछ नहीं होता है, बट उसका जो टिंट रहता है, मतलब सुबह आपको अपना मुंह धोने का इच्छा नहीं होगी क्योंकि वो इतना प्यारा टिंट छोड़ के जाता है। एंड आई जस्ट लव इट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आई जस्ट अप्लाई सनस्क्रीन और लिप बाम और मस्कारा एंड आई एम गुड टू गो, सो आई डोंट लाइक अप्लाइंग बहुत सारा लिपस्टिक हमेशा, सो उस चीज़ के लिए आई लव टिंटेड लिप बाम्स। या सो अगर आपको पसंद है टिंटेड लिप बाम्स देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड बाय दिस। सो दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड फॉर माई स्किन केयर फेवरेट्स। आई एम श्योर कि मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर मिस किया होगा मेरे फेवरेट्स में से, क्योंकि इतना सब ट्राई कर लेते हैं हम पूरा साल भर की, इतना पीछे जाके याद करना भी इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी डोंट कीप ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़, खाली चीज़ें रख के क्या करेंगे। सो बट जितनी भी आई रिमेंबर्ड मैंने वो आपको दिखाई है एंड आई होप यू